दोस्तों हम लोग बना रहे हैं मच्छर अगरबत्ती, होममेड मच्छर अगरबत्ती दोस्तों, क्योंकि अभी दोस्तों मच्छरों का सीजन चालू हो गया है। किधर देखा उधर मच्छर ही मच्छर है। तो हम लोग होममेड क्या बनाने वाले हैं, होममेड मच्छर अगरबत्ती। पहला है गोबर, दूसरा है एलोवेरा, तीसरा नीम का पत्ता। ये तीनों चीज से अपने को और आसानी से अपन बना सकते हैं दोस्तों होममेड मच्छर अगरबत्ती। तो शरीर को ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेगी दोस्तों और मच्छर भी अपने भाग जाएंगे सारे। तो दोस्तों इसको बनाना कैसे है वो आइडिया बता देता हूँ मैं फटाफट। पानी तो हर घर में मिल ही जाता है, पानी तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों पानी भी ले लेना है आपको और फिर बाद में अभी क्या करना है, इसको इसके तोड़ लेने हैं पत्ते। इसके पत्ते आपको बारी बारी से तोड़ लेना है, बारी बारी से जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट मैं तोड़ लेता हूँ दोस्तों। जब तक मैं तोड़ता हूँ तब तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक मार दीजिए दोस्तों, और हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर देना देखने के बाद दोस्तों, क्योंकि हमारे को आप शेयर करते हो और भी लोगों को फायदा पहुँचेगा तो हम लोग को थोड़ा हौसला बढ़ेगा दोस्तों। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना हमारा भी हौसला बढ़ेगा दोस्तों। तो इसको मैंने अच्छे अच्छे तोड़ लिया, तोड़ने के बाद दोस्तों थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ इसके अंदर, और पानी डालने के बाद ढक्कन लगाने के बाद ऊपर से अच्छे से मैं इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेता हूँ दोस्तों। देख सकते हो मेरे ऊपर उछल गया, तो एक बार फिर से मेरे को चलाना पड़ेगा, थोड़ा ढक्कन बड़ा बनने लगा है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, और अच्छे से उसको पीस लेना दोस्तों, और पीसने के बाद फिर बाद में उसको आप डब्बे में पलटी कर सकते हो दोस्तों। तो मैं एक बार फिर से घुमा लिया इसको, ग्राइंडर में मिक्स कर लिया अच्छे से और डब्बे में कर देता हूँ पलटी, और ये मैंने डब्बे में पलटी कर लिया दोस्तों। तो अभी मेरे हाथ में है एलोवेरा, इस एलोवेरा को मैं टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ डायरेक्ट, इसको छीला नहीं मैंने, डायरेक्ट ऐसे ही मतलब टुकड़ा कर रहा हूँ डायरेक्ट वहाँ। और टुकड़ा करने के बाद थोड़ा सा इसमें चटनी डाल देता हूँ इसका, और डालने के बाद अच्छे से इसको भी ग्राइंड कर देता हूँ, और ग्राइंड अच्छे से ग्राइंड ये फटाफट हो जाएगा दोस्तों। फटाफट होने के बाद उसको डब्बे में इसको भी मैं पलटी कर देता हूँ, और अच्छे से अपना चटनी हो गया दोनों को, और दोनों को थोड़ा हिला लेना है तो मिक्स हो जाएगा दोस्तों। और मिक्स थोड़ा हिला लिया तो मिक्स होने के बाद दोस्तों फिर अपने को ले लेना है गोबर, और गोबर लेने के बाद थोड़ा सा, ये छोटा बर्तन है इसलिए थोड़ा सा गोबर ले रहा हूँ, और ये चटनी मिक्स कर देना है इसके अंदर। और मिक्स करने के बाद फिर बाद में इसको एकदम रोल बना लेना है आपको, और रोल बनाने के लिए आपको दोस्तों एक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ले आया हूँ एक पेपर, तो उस पेपर में दिखा देता हूँ, थोड़ा मिक्स कर लेता हूँ अच्छे से, और फिर उसको मैं लगा देता हूँ पेपर के ऊपर। तो अभी मैं ले आता हूँ दोस्तों पेपर, तो ये ले आया मैं पेपर, और पेपर लाने के बाद थोड़ा उसको मैं फाड़ लेता हूँ। फाड़ने के बाद दोस्तों इसके ऊपर मैं लंबा सा बिछा देता हूँ, एकदम पतला नहीं करेंगे, ज़्यादा पतला कर देंगे दोस्तों तो फिर वो कम टाइम चलेगा, थोड़ा जाड़ा ही रखता हूँ और ज़्यादा टाइम चलेगा दोस्तों, क्योंकि 2-3 घंटा तो जलना मांगता है। और ये बन गया अपना होममेड मच्छर अगरबत्ती। बस दोस्तों इसको एक दिन या दो दिन सुखाना पड़ेगा धूप में, और इसको नीचे साइड में थोड़ा सा गोबर ज़्यादा लगा देना, इसलिए लगा देना है क्योंकि इसको खड़ा रखना पड़ेगा अपने को, और खड़ा रखने के लिए दोस्तों मैं अगर मैं नीचे रखता हूँ तो दोस्तों चिपक जाएगा, तो इसके लिए मेरे को एक कागज़ पेपर का टुकड़ा और नीचे लगाना पड़ेगा, वो मैं बाद में निकाल लूँगा। तो हल्का सा गोबर और लगा देता हूँ, और कागज़ के टुकड़े पर मैं इसको चिपका देता हूँ, और ऐसे ही दीवार के सहारे से खड़ा कर देता हूँ दोस्तों। सूखने के बाद फिर बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, और ऐसे भी मैं 7-8 बना लूँगा दोस्तों। ये मेरे हाथ में जो गोबर है दोस्तों, तो थोड़ा तो दोस्तों देख सकते हो हम लोग ने बना लिया है, मेरे पीछे देख सकते हो ये होममेड वाली मच्छर अगरबत्ती। तो दोस्तों कितनी सारी बनाई हमने, और इसके अंदर लगा हमारे कम से कम 1/2 घंटा, अगर फटाफट बनाया होता हमने तो 10-15 मिनट में बन जाता था, लेकिन मैं आराम से मैंने बनाया तो मेरे को 1/2 घंटा चला गया, और 1/2 घंटे के अंदर क्यों देख सकते हो, 1/2 घंटे के अंदर इसने कितनी सारी बनाई, 9 मच्छर अगरबत्ती बनाई दोस्तों, क्योंकि मैंने जाड़ी बनाई है, मेरे को इसका अंदाज़ा नहीं है कितना टाइम जलेगा। तो मेरे को एक बार अंदाज़ा लग जाएगा तो उसके हिसाब से मैं जाड़ा पतला उसको बना लूँगा, और अब मैं बताऊँगा इसको आपको कि सूखने के बाद इसको मैं धूप में रख दूँगा दोस्तों, और धूप में जैसे ही मैं रखूँगा तो 1 या 2 दिन में सूख जाएगा एकदम, और सूखने के बाद फिर मैं इसको जला के बताऊँगा आपको कि कैसा मतलब इसका रिस्पॉन्स रहता है और कैसे जलती है। तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में इतने दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और फिर इसको टाइम भी तो चाहिए 2 दिन सूखने के लिए। तो मैं इसको सूखा देता हूँ, फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इसको जला के। तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।